प्रकृति के साथ मानवीय दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से प्रकृति भी रुष्ट होने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग, तूफान, लैंड और तमाम आपदाएं इसका साफ उदाहरण है। यूरोप में हीट वेव से 15,000 से ज्यादा जाने चली गई हैं। ये प्रकृति का इंसान पर सीधा प्रकोप है। इस धरती को विनाश से बचाने के लिए हमें जागरूक होना होगा और पृथ्वी को विनाश से बचाना होगा। यूरोप की हीट वेव की रिपोर्ट इंसानों को संभलने का इशारा कर रही है। अगर हम अभी नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कुदरत के गुस्से का एक रूप हीट वेव है। क्या है ये हीट वेव, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। हीट वेव पर डराने वाला आंकड़ा, यूरोप में 15,000 की मौत, ग्रीन हाउस गैसों का रिकॉर्ड उत्सर्जन, बदल रही दुनिया की जलवायु। यूरोप में प्रचंड गर्मी और हीट वेव पर संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की एक डरा देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक यूरोप में 15,700 लोगों की मौत हीट वेव की वजह से हुई है। पिछले 8 सालों में वैश्विक औसत तापमान सबसे ज्यादा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की 2022 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, जिसकी वजह से जानलेवा हीट वेव ने अपना कहर बरपाया है। बढ़ते तापमान की वजह से प्री मानसून के समय भयंकर गर्मी पड़ी है। बदलते मौसम के कारण खाद्य असुरक्षा बढ़ी है और कई देशों को पलायन का दंश भी झेलना पड़ा है। UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में भारत में मानसून की शुरुआत पहले हुई और सामान्य समय से देरी से मानसून की वापसी हुई है। हीट वेव की सीधी मार फसलों पर पड़ी है। भीषण गर्मी के कारण अनाज की पैदावार कम हुई। गर्मी की वजह से उत्तराखंड में कई जंगलों में आग तक लग गई। भारत और पाकिस्तान में 2022 में प्री मानसून सीजन में हीट वेव के कारण फसलों की पैदावार भी कम हुई है। पिछले कुछ सालों में हीट वेव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आइए भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से समझते हैं कि आखिर ये हीट वेव या लू क्या होती हैं और ये कब शुरू होती हैं, कब तक इनका असर होता है। क्या है हीट वेव? जब किसी क्षेत्र का तापमान ऐतिहासिक औसत से ज्यादा हो जाता है तो उसे हीट वेव या लू कहा जाता है। इसके साथ ही जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए और तटीय क्षेत्रों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो लू या हीट वेव चलने लगती है। WMO की रिपोर्ट में गर्मी के साथ हीट वेव को लेकर चिंता जताई है, जिसके असर से यूरोप में भी गर्मी की लहरों का अनुभव कई बार हुआ है। समर सीजन में 3 महीनों में से प्रत्येक में गर्म लहरें होती हैं, लेकिन इस बार कई लोगों के मरने की वजह से चिंता गहरा गई है। आइए एक नजर डालते हैं कि यूरोप के किस देश में कितने लोगों ने हीट वेव से अपनी जान गंवाई है। मौत की हीट वेव। साल 2022 में हीट वेव से करीब 15,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर बात स्पेन की जाए तो स्पेन में लगभग 4600 लोगों की जान इसी हीट वेव से गई है। जर्मनी में 4500 और ब्रिटेन में 2800 लोगों की मौत हीट वेव के कारण हुई। फ्रांस में 2800 और पुर्तगाल में 1000 लोगों की मौत भी हीट वेव की वजह से हुई है। सबसे असाधारण हीट वेव जुलाई 2022 के मध्य में चली है, जिस वजह से 65 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को बड़ी संख्या में जान गंवानी पड़ी। पर्यावरण के साथ इंसानी दखलंदाजी की वजह से भी ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के चलते हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।